यूं कहें कि यदि भारतीय जनता पार्टी के रामदेव बाबा उसके काले धन का सप्लायर है चुनाव के लिए, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, आपके होश उड़ जाएंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, दरअसल उसका असली चेहरा क्या है। और रामदेव बाबा जो अपने आप को संत महात्मा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ब्रह्मचारी, उसका करतूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चढ़कर बोलने वाले बाबा रामदेव अब खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी के एक नेता के साथ ब्लैक मनी पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वाकया राजस्थान के अलवर में पिछले दिनों हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। सभा में बाबा रामदेव और अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी चांदनाथ मंच पर साथ मौजूद थे। उसी दौरान चांदनाथ ने बाबा से फुसफुसाकर कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में पैसों के लेन देन में बड़ी मुश्किल होती है। ये सुनकर रामदेव सकपका गए और चांदनाथ को हाथ मारते हुए कहा कि यहाँ ऐसी बातें मत करो, बावले हो क्या। इस दौरान रामदेव ने मंच पर लगे कैमरों और माइक की तरफ इशारा करते हुए चांदनाथ को चुप रहने को कहा। रामदेव का इशारा समझकर चांदनाथ भी फौरन चुप हो गए, लेकिन दोनों के बीच हुई बातचीत वहां लगे टीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आपने देखा इस वीडियो को, अस्पष्ट अस्पष्ट कहते हैं ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। आप सबको याद होगा 2013-14 में बड़े बड़े आंदोलन रामदेव बाबा ने किए भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, लेकिन वास्तव में काले धन के भंडार स्वयं रामदेव बाबा हैं। बाबले हो क्या, मंच पे ऐसी बात मत करो, साइड में करना, मैं कर दूंगा सब इंतजाम, यही कहने का मतलब है रामदेव बाबा का। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक वो कह रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को खेल रामदेव बाबा का। जितने भी पतंजलि के जगह जगह इनके शोरूम खुले हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रामदेव बाबा बीजेपी को जो यहां पे सेल होता है उसकी सप्लाई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में करती है, उसका मास्टरमाइंड यदि कहें तो रामदेव बाबा को कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही रामदेव बाबा हैं जो काले धन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन 2013 में करते थे, 12 में करते थे, कांग्रेस सरकार की बखियां उधेर के रख दी थी। आज एक बार भी काले धन के ऊपर सुनते हैं आप, स्विस बैंक का बड़ा हवाला दिया जाता था, प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण दिया करते थे, कभी आप प्रधानमंत्री के मुख से एक बार भी काले धन के विषय में सुनते हो, इसका मतलब है कि स्विस बैंक के अंदर जितना भी काला धन है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। और उसके आका यदि कहूं प्रधानमंत्री को, तो कोई बुरा तो नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पता नहीं क्या क्या वादे इस देश की जनता से किए थे, गिनाते गिनाते सुबह से लेकर रात हो जाएगी, लेकिन वो वादों की झड़ी खत्म नहीं होगी। इसलिए आप लोग समझिए कि काला धन का मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सपोर्टर है काले धन को
ये इनका एक मकसद है। और रामदेव बाबा का चाल चलित्र इस वीडियो में स्पष्ट नजर आया। और मैं खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जाए मेरे खिलाफ अदालत के अंदर, खुली चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को हो या रामदेव बाबा को हो, जेल जाएंगे ये, जेल जाएंगे रामदेव बाबा इस वीडियो के माध्यम से। यदि ईमानदारी से न्यायपालिका अपना काम करे तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो उनको रामदेव बाबा के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। यह वीडियो जगह जगह वायरल करूंगा मैं, और आप तमाम सोशल मीडिया वाले भाई से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो आप आगे बढ़ाने का काम करें और दिखाएं इनका चरित्र, रामदेव बाबा का, ये ढोंगी बाबा का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।